गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नितिन गुप्ता आपका जीके लर्नर में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम पूरा कवर करेंगे 2019 में आए हुए आल सेट का जीएस का जीके का क्वेश्चन। ठीक है, कुल टोटल 100+ क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में हमने कवर अप किए हैं। ठीक, और अगर आपको सारा क्वेश्चन एक साथ देखना है तो आप इस वीडियो को प्रीफर करिए। ठीक है, अगर आपको वन बाई वन वीडियो करके देखना, डिटेल में देखना है, तो आप जो हमारी 6 वीडियो हैं प्रीवियस वो देखिए। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको शायरी सुनाना चाहते हैं, वो सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तो तकलीफ़ें, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इसी मोटिवेटेड कोट के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता संख्या 11 है। ठीक है, तो आपको पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था कि 1-30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है, 11 होता है। ठीक, आपको 30 तक याद करना है, जिंक तक। ठीक है, जिंक तक। तो ठीक है, इसी अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस यूरिया। निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादक करता है? ठीक है, ए लीवर, बी किडनी, सी पैनक्रियाज, डी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। तो आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर क्या है, यूरिया का उत्पाद करता है। ठीक है, हमारे शरीर में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट रूल द मगध एम्पायर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मगध साम्राज्य में 3 शासक हुए थे। कौन कौन से हुए थे? हर्यक वंश, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया था? शिशुनाग वंश, ठीक, फिर आए थे हमारे नंद वंश। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद। ठीक है, ठीक, तो इसमें देखिए नंद वंश भी है, हर्यक वंश भी है और गुप्त वंश। पूछा है कौन नहीं है, तो हमारा गुप्त वंश, हर्यक वंश का शासन, मगध साम्राज्य का शासन नहीं, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है? ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन आर्टिकल 368, आर्टिकल 324, आर्टिकल 139, आर्टिकल 104। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बारोड फ्रॉम। भारतीय संविधान की संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? ठीक, भारतीय संविधान की संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, आपको पता है ना, हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें बारो की गई हैं अनदर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, जैसे अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो कहाँ से ली गई है, तो ये आप लोग अपने से पढ़िएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? खुद से पढ़िएगा। ठीक है, कुछ कहाँ कहाँ से बारो की गई हैं चीज़ें, ये आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू पोर्ट हर्ब कल्टीवेशन। पोर्ट हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? ठीक है, तो जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है हमारा ऑलरी कल्चर या सब्जियों की खेती।
ठीक है, यही पॉर्टहब कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर का रूलर कौन था, शासक कौन था, ए पवन सिंह, बी रघु सिंह, सी महादेव सिंह और डी हरी सिंह। तो कौन था, डी हरी सिंह हमारे उस समय जम्मू कश्मीर के क्या थे, रूलर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल कैरीड आर्यभट्ट, आर्यभट्ट द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ले गया था, कौन सा वाहन ले गया था, आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेल्टा 4925, ऑप्शन बी C1 इंटर कॉस्मोस, ऑप्शन सी एरियन 5G, ऑप्शन डी SLV 3E2। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, C1 इंटर कॉस्मोस, ठीक है, ठीक, जो ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, ठीक, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए फलदार फसलों का अध्ययन या खेती करने को कहा जाता है पोमोलॉजी यानी फल कृषि विज्ञान, सिस्टेमोलॉजी प्रणाली विज्ञान, परफ्यूशनोलॉजी छिड़काव विज्ञान, या ऑलरिकल्चर सब्जियों की खेती। तो इज द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप इज नोन एज फल कृषि विज्ञान यानी पोमोलॉजी, ठीक, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती करने को फल कृषि विज्ञान कहा जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कन्फर्म्ड द ऑर्डर ऑफ जायज द हाइएस्ट सिविल डेकोरेशन ऑफ PM मोदी, ठीक है, तो बताएं निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायज दिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ जायज सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है, 2019 में जब वो वहाँ के दौरे पे गए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656, ठीक, 1656 में किसने लोलक घड़ी का आविष्कार किया था, किसने किया था, क्रिश्चियन हाइगंस ने, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्रिश्चियन हाइगंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये देखिए कंप्यूटर से आया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द कंट्रोल जेड कमांड गिवेन इन MS वर्ड, कंट्रोल जेड कमांड MS वर्ड में किस किसके लिए दिया जाता है, अंडों के लिए, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ए भगवान दास, बी चंदबरदाई, सी बिल्हड़ और डी हमारा है आसंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, चंदबरदाई, ठीक है, कौन ऑप्शन सही होगा हमारा, चंदबरदाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट, किस संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, किस संविधान संशोधन से किया गया 21A फंडामेंटल राइट में शामिल, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 86, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में, जिसका क्या जोड़ा गया अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया अनिवार्य शिक्षा यानी 6 से 14 वर्षों को कंपलसरी एजुकेशन लेना जरूरी है, ठीक है, ठीक, और भारत सरकार इसके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था भी की है, ठीक है, मिड डे मील ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत एंड कास्ट द सेशन टू ब्रेक अप, ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ, तो वह सेशन कौन सा था, ऑप्शन ए 1906, बी 1907, सी 1916, डी 1915। तो 1907 में ही सूरत फूट हुआ था, 1907 में क्या हुआ था, सूरत फूट, ठीक, जिसमें नरम दल अलग हो गए थे, गरम दल अलग हो गए थे, नरम दल अलग, गरम दल अलग, इसको सूरत फूट कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक, किस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक,
समझ में आया, ये आपको खुद से खोजना है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसोसिएटेड टू ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन। आपको पता है ना ताजमहल हमारा पीला पड़ने लगा था, ठीक है, तो वहाँ से सारी फैक्ट्रियाँ आसपास में जो थी वो सब हटाई गई, ठीक है, तो फिर जाके अब जाके थोड़ा मतलब अब जो है उसका पीलापन अब गायब हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सब ताजमहल पीलापन क्यों हो रहा था, वो एसिड रेन के कारण हो रहा था, ठीक। तो कौन सी गैस एसिड रेन के लिए संबंधित है, कौन सी गैस, तो हमारी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसोसिएटेड टू ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाई, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट किसके द्वारा, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक, ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी मेघनंद साह, सी बीरबल सानी, डी प्रशांत चंद्र मलाल नोबिस, ठीक है, महाल नोबिस। तो हमारा डी सही हो जाएगा, प्रशांत चंद्र के द्वारा इंडियन भारतीय सांख्यिकी संस्था स्थापित की गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मुगल एम्परर बाबर हिज ऑटोग्राफी इन विच ऑफ दी फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक, मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, दे देते हैं, देखिए एक जितने भी मुगल एम्परर थे उसमें दो लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, एक बाबर ने लिखी थी और एक किसने लिखी थी और क्या लिखी थी वो आप अपने से सर्च करके पढ़िएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाइएस्ट लिटरेसी आफ्टर केरला, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार केरला के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है, मतलब सबसे पहले केरला है तो दूसरे नंबर पे कौन है ये पूछा है, तो दूसरे नंबर पे हमारा मिजोरम है, ठीक, ठीक है ना, मिजोरम की साक्षरता दूसरे नंबर पे है, ठीक। अब हमारा सेंसस होने वाला है 2021 में, लेकिन शायद COVID-19 के चलते टल भी सकता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंटियल रूल इज मेंटेनाइड इन आर्टिकल, ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, ठीक है, प्रेसिडेंटियल रूल, तो देखिए अब प्रेसिडेंट रूल से तीन इमरजेंसी जो है हमारा है इससे रिलेटेड तीन आर्टिकल, मतलब 352 से ले के 360 तक बात की गई है, ठीक है, इसमें 352, 356, 360 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, 356 में प्रेसिडेंटियल रूल की बात की गई है और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी भी हमारे देश में लग चुकी है, प्रेसिडेंटियल रूल राज्य में लगता है और फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कभी लगाने की नौबत नहीं आई है, ठीक है, ठीक। तो प्रेसिडेंट रूल किससे संबंधित है, आर्टिकल 356 से संबंधित है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम विथ चाइना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, नाथुला पास सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, निकिल, ऑस्ट्रोनियम, इन चारों में किसका गलनांक सबसे अधिक है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वह बिंदु होता है जिसपे वस्तु पिघलना स्टार्ट होती है, ठीक है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में जब वह अवस्था होता है जब वस्तु पिघलना स्टार्ट हो, मेल्ट होना जस्ट स्टार्ट हो, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और वो जब खोलने लगे, उबलने लगे, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हमसे पूछा किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, ठीक है, ये हमारा बल्ब में यूज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेस क्या होती हैं, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, और क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, देखिए आपको चार युद्ध दिए गए हैं, ठीक है,
चार युद्ध दिए गए हैं आपके यहाँ, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1556, बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ प्लासी 1757। देखिए आप लोग को बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर तो याद ही होगा हम जहाँ तक समझते हैं, क्योंकि यहीं से ही बैटल ऑफ बक्सर से ही अंग्रेज अपने पूरा पैर पसार चुके थे भारत में। ठीक है, अब हमको ये दोनों तो सही लग रहा है। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, बैटल ऑफ हल्दी घाटी मुझे लगता है ये 1576 में हुआ था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मेल नहीं खाता, यानी बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, यानी 1556 नहीं, यहाँ पे 1576 होना चाहिए। ठीक है, और नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 पे, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक मतलब पता है ना, महासागर का नाम है। ठीक है, किस देश ने आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी शुभारंभ किया था, किस देश ने शुरू किया है, हमारे रूस ने। ठीक है, रूस ने, ठीक है ना, सॉरी, रूस देश ने आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी शुभारंभ किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन, ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1954, 1980, 1956 और 1948। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, इसका गठन 1980 में हुआ था। ठीक है, और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में। ठीक, कौन किया था, एओ ह्यूम ने, ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, एओ ह्यूम जी ने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद बनर्जी जी। ठीक, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, मुंबई में। ठीक, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात भी आ गई, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वाज प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। देखिए महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष थे, वो हमारा था बेलगांव अधिवेशन, जो कब हुआ था, 1924 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए और कुछ भी हैं, ये सब सन नहीं दिया इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब अधिवेशन हुए हैं जो नीचे दिया, हरिपुरा, लखनऊ। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटेल इज लोकेटेड इन, इंटेल जो है क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटेल, इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, यूएसए का एक स्टेट है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 29, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज हेल्ड इन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज हेल्ड इन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई, दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, ठीक है, इसके टेम्पोररी अध्यक्ष बनाए गए किसको, इसके टेम्पोररी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, फिर 2 दिन बाद इसकी जब बैठक हुई तो उसके परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, ठीक, देखिए हम लिखते शॉर्ट में, हमको लगता ही नहीं आपको ये समझ में आएगा, लेकिन हम जब बोलते हैं ना तो उसको आप सुन के अपने नोट पेन नोट बनाया करिए, लिखा करिए, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ तो हम बस हिंट दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्टिफाइंग मार्क एम्प्लॉयड ऑन फूड प्रोडक्ट, देखिए हमारे फूड प्रोडक्ट पे मार्क क्या बोलते हैं, मार्क, जैसे सोना खरीदते तो किसका मार्क लगा रहता है, हॉल मार्क का निशान लगा रहता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए हॉल मार्क तो यहाँ पे दिया गया, तो सोना पे, यही तो हमारा सही ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में क्या खाद्य पदार्थों पर अंकित प्रमाण चिन्ह नहीं है, तो हॉल मार्क तो सोने पे होता है, एग मार्क मसाले पे, FSSAI फूड प्रोडक्ट पे, FPO, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थों पे लगे हुए चिन्ह होते हैं, लेकिन एग हॉल मार्क किस पे लगा रहता है, सोना, सोना खाते हैं आप लोग, खाते हैं कम मात्रा में, सोना चांदी चौनप्रास नहीं खाते हैं, जोक का एक पार्ट था, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। द फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, मत्स्य महाविद्यालय और अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तूतुकुड़ी में स्थित है, कहाँ स्थित है, तूतुकुड़ी में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज, ठीक है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, ठीक है, गर्मियों में राजधानी कहाँ थी ब्रिटिश की, शिमला थी। ठीक है, कहाँ थी, शिमला।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला का, अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, शिमला का सन्यासी किसे कहते हैं? शिमला का सन्यासी, एक हिंट दे दूँ, कांग्रेस के फाउंडर हैं वो, कांग्रेस के फाउंडर, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ कांग्रेस के फाउंडर किसको कहा जाता है, बता देता हूँ, ए ओ ह्यूम जी को शिमला का सन्यासी कहा जाता है, ठीक है, जो किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु इज द प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय मतलब 2020 में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो देखिए आप लोग को बताए थे नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा, तो 2020 में भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी होंगे। अब आइए कुछ चीज़ें नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं, नीति आयोग हमारा 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ, ठीक है, किसको रिप्लेस किया, ये प्लानिंग कमीशन, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चलती थी, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, उसी को रिप्लेस करके नीति आयोग आया, ठीक है, कितने साल का ये 3 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, किस पॉलिसी पे बेस है, थिंक टैंक पॉलिसी पे ये बेस है, थिंक टैंक, ठीक है ना, इसके उपाध्यक्ष कौन हैं, राजीव कुमार जी, ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म अब आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक है, सैमसंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, Samsung one of the producer of the electronics device is based in, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों में से एक Samsung मूल रूप से कहाँ की कंपनी है, तो आपको पता होगा साउथ कोरिया की कंपनी है, अभी पिछले साल की बात है, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर जी ने नोएडा में, ठीक है, सबसे बड़ी Samsung की मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया था, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फेमस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिव, अरे यार ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मुझे लगता है ना एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, द फेमस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया जी, कौन थे, HJ कानिया जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे, नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ओर पेयर इज करेक्ट, ठीक है, ठीक, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही है, तो ठीक है, तो यहाँ से आपको जैसे लेड का ओर दिया, हेमेटाइट, यूरेनियम का बॉक्साइट, मरकरी का सिनेबार, सोडियम का गैलेना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही गलत है, ठीक है, मरकरी का सिनेबार ये हमारा युग्म सही है, ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, देखिए मेटल है और ओर है, ठीक, मेटल है और ओर है, मेटल क्या है, सोडियम का ओर क्या क्या है, चिली सल्फेटर, चिली साल्ट पीटर, ट्रोना बोरेक्स और कॉमन साल्ट, ये सोडियम का ओर है, तीन ओर हैं, ठीक, यूरेनियम के पास भी दो ओर हैं, कार्नेटाइट और प्लिट्स ब्लेंड, ठीक है, मरकरी का एक ही ओर होता है वो भी सिनेबार, ठीक, और लेड के पास गैलेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नोन एज मोलस्सा बेसिन, किस राज्य को मोलस्सा बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम को हम मोलस्सा बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल, मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरमाथंगा, मिजोरम में 3 नेशनल पार्क हैं और भी हैं जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने लिखे हैं, दम्पा टाइगर रिजर्व, मुरलेन नेशनल पार्क और पवन गुई नेशनल पार्क, ठीक है। अब नेशनल पार्क की बात हुई तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, ठीक है, सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था, पियरी चंद्र मित्र, कैप्टन HL थुलियर, तेंजिंग नॉर्गवे, ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा है राधानाथ सिकदर।
तो राधानाथ सिकदर। तो बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राधानाथ सिकदर। ये कौन थे? यह एक बंगाली मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट की गणना की। एवरेस्ट क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 या 8850। और भारत की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बरनी। निम्नलिखित में से किसने लेखक जियाउद्दीन बरनी थे, सॉरी निम्नलिखित में से किसके लेखक जियाउद्दीन बरनी थे? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, तारीख है, फिरोज शाह, सियार उल मुतखारिन, मत खाब उल तवारिक और आईने अकबरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तारीख ए, फिरोज शाह के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। जियाउद्दीन बरनी जी, फिरोज शाह जियाउद्दीन बरनी वाज अ मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह। ठीक है, रीजन आईने अकबरी को किसने लिखा है? अब्दुल फजल ने। किस लैंग्वेज में लिखा है? पारसी लैंग्वेज में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द, अपने स्वतंत्र दिवस 2019 संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी नियुक्ति की घोषणा की थी? किसकी नियुक्ति की घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ नेशनल म्यूजियम, चीफ ऑफ टेक्सटाइल बोर्ड, चीफ ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। ये तो बच्चा भी बता लेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसके तहत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, कौन हुए? इसके तहत हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हुए? जनरल बिपिन रावत जी हुए। ठीक है, जनरल बिपिन रावत जी, ये 4-स्टार रैंक ऑफिसर हैं CDS। ठीक है, CDS को 4-rank ऑफिसर रखा गया है। और हमारे पहले CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत जी। इसके पहले ये क्या थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5-स्टार क्या होता है? फील्ड मार्शल 5-स्टार पोस्ट होती है। ठीक है ना, सबसे ऊंची पोस्ट होती है आर्मी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द इक्वेटर नॉट पास। निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा गैबॉन से भी जाती है, युगांडा से भी जाती है, थाईलैंड से भी जाती है। किस देश से नहीं जाती है पूछा है, तो थाईलैंड से नहीं जाती है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा तीन महाद्वीपों से होकर जाती है, कितना? एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से। ठीक, भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से होकर जाती है। भूमध्य रेखा साउथ अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, एशिया के इंडोनेशिया, अफ्रीका के गैबॉन, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया से होकर जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये सब देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा पास करती है। आपको याद होना चाहिए भूमध्य रेखा एशिया के सिर्फ इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अब आपसे एक क्वेश्चन, भारत से के कितने राज्यों से टॉपिक ऑफ, पहले आपको ये बताना है कि भारत में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है कि टॉपिक ऑफ कैंसर भारत से पास होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा तो यहाँ से आप देख ही लेंगे कि नहीं पास होती है भारत से। द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज, ये आपके लिए HW होगा, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 8 नहीं होगा। ठीक, मैं एक ऑप्शन गलत काट दिया हूँ, आपके लिए 3 ऑप्शन है। बताइए जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटुला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ हिमालयाज। ठीक है, फोटुला दर्रा हिमालय के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जस्कर श्रेणी में स्थित है फोटुला पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द नोवल मिडनाइट चिल्ड्रन इज रिटन बाय सलमान रुसूदी के द्वारा द मिड नाइट चिल्ड्रन लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इक्वेलेंट टू 1 पास्कल। आपको पहली बात तो पास्कल पता होना चाहिए, पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपान एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखिए किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ LED व्हाट डज डी स्टैंड फॉर। तो डी, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड।
तो डी किसके लिए स्टैंड फॉर है, डायोड के लिए स्टैंड फॉर है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, ठीक है, निम्नलिखित में से जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो हमारे थे सी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनके इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, इनकी मृत्यु जो हुई थी बहुत सस्पिशियस है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, वो फिल्म द ताशकंद फाइल, ठीक है द ताशकंद फाइल, इनकी इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, इसमें दिखाया गया है कि मतलब इनकी ये जाते हैं रशिया में, वहाँ ताशकंद नाम के शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ठीक। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई, एक सस्पिशन है कि KGB ने कुछ खाद था या CIA, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस पर भी एक डिबेट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज बिहार शेयर इट्स बाउंड्री, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है, तो बिहार अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, जो इस समय काफ़ी तेवर दिखा रहा है हम लोगों को, ठीक। हाँ तो नेपाल की बात हुई, तो आइए नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, KP ओली जी हैं, ठीक। और एक बात और, नेपाल में सार्क का क्या है, हेडक्वार्टर, ठीक है, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है ठीक, उसका हेडक्वार्टर है कहाँ, काठमांडू नेपाल में। सार्क के मेंबर स्टेट कौन कौन से, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सब क्या है, सार्क के मेंबर हैं, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ गए, चलिए पढ़ते हैं, लेट स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंध है जिसकी परमाणु संख्या 109 है। देखिए ये क्वेश्चन टफ है, ठीक, मैंने आपसे कई बार बोला है अगर आप टफ क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप जॉब छोड़ेंगे, ठीक है, टफ क्वेश्चन पकड़ेंगे तो जॉब पकड़ेंगे, ये नहीं टफ के चक्कर में वो इजी मीडियम वाला छोड़ दें, नहीं, टफ मतलब इजी मीडियम होते हुए हमको टफ को करना है तो करना है, ठीक है, तो ये उसी में से है। तो क्वेश्चन 109 पे हमारा आता है मेटिनरियम, ठीक है, 109 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाइस मेटिनर, ठीक है, देखिए मेटिनर यहाँ पे भी आधा मिल रहा है कि नहीं, मेटिनर, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उनके अपने नाम से ही मिलाती हुई एलिमेंट का वो नाम रखी है, लाइस मेटिनर, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक, 51 नंबर इज अ बेस्ट नंबर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू मेक अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील इन गैल्वनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी गैल्वनाइज। अब हम बात करते हैं गैल्वनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग, आयरन और स्टील को बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, रस्टिंग करते हैं, ठीक है, किसका, जिंक की कोटिंग का, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following drafted the Indian Penal Code, which later become the basis of Indian Criminal Code? ठीक है, किसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना, तो हमारा ऑप्शन है ए थॉमस बैडिंगटन मैकाले, सर हेनरी मैकमोहन, मैरुसी लिनफोर्ड गेयर और ऑप्शन डी है विलियम वेडबर्न, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, थॉमस बैडविंगटन मैकाले, ठीक है। मैकाले की बात तो आप लोग सुनेंगे ना, क्या कहते हैं मैकाले, पता है कि ये इंडियन शायद रंग से तो इंडियन हो लेकिन बोल भाषा दिमाग से अंग्रेज हो, ये इनका स्टेटमेंट था, इन्होंने इनको इंग्लिश शिक्षा सुधार के लिए माना भी जाता है लॉर्ड मैकाले को, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, थॉमस बैडविंगटन मैकाले, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 53 पे हम आते हैं। हु प्रपोज दैट ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ एटम दैट आर इंडिविजुअल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं
जो अविभाज्य हैं और अविनाशी निर्माण खंड हैं। किसने कहा था? तो ये कहे थे हमारे जॉन डाल्टन जी ने, ठीक है, कि सभी हम एटम को तोड़ नहीं सकते। मोटी भाषा यही है कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये थ्योरी बाद में चल के गलत हुई, क्योंकि एटम के भी हम तीन टुकड़े कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, तीन टुकड़े कर सकते थे इसके बाद, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज पिछले वीडियो में बताया हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पे भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ठीक है, ईटा पर न्यूचे ट्रिक थी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सर्वड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन अगस्त 2019, ठीक, कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष कौन था 2019 में? देखिए यहाँ पे अगस्त 2019 की बात की गई है, ठीक, शायद हमारा मई में ही रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री बन चुके थे, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले चुके थे, ठीक है, तो उसके बाद राहुल गांधी इस्तीफा दे दिए थे, तो उस समय अंतरिम अध्यक्ष कौन बना था? सोनिया गांधी जी बने थे, ठीक है, अंतरिम अध्यक्ष। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कांग्रेस की बात आई थी, तो कांग्रेस के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। फाउंडर ऑफ कांग्रेस ए ओ ह्यूम, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस उमेश चंद बनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, वो है हमारी सरोजनी नायडू, यही चीज़ मिसिंग थी। ठीक, ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप लोग कांग्रेस के बारे में याद रखिएगा, और कांग्रेस के कुल 55 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट वुमेन, अरे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन के भी आ गया, तभी तो मिसिंग ही था वो। हु आर द फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आँख मूंद के लगाइए, सरोजिनी नायडू जी। कब थी? गांधी जी के तुरंत बाद 1925, गांधी जी 24 में थे, 1924 बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी थे, तो 1925 में थी सरोजिनी नायडू। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और एनी बेसेंट कब थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए सब लिखा है, 1950 1917। 56 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट, किस राज्य में पंचायती प्रणाली विद्यमान है? तो ए, ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती प्रणाली विद्यमान है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम आए थे हमारे बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश पर। ठीक है, पंचायत सबसे पहले ग्राम कहाँ लगी थी? राजस्थान के नागौर जिलों में, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई किया गया राजस्थान के नागौर जिलों में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ईटानगर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, नेशनल पार्क है नमधापा नेशनल पार्क और नेहरू वन उद्यान, और भी हैं जो इम्पोर्टेंट था वो हम आपको बता रहे हैं। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन सब मरीन टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। अब देखिए जो हमारी पनडुब्बियाँ होती पानी के नीचे भाग दौड़ती हैं, तो ऊपर की चीज़ देखने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? पनडुब्बियों में कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप से हम समुद्र के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पेरिस्कोप तो हमारा सही हो गया। अब ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर से स्पीड नापी जाती है। ठीक, आपकी गाड़ियों में लगा होता है, दो पहिया चलाइए, चार पहिया चलाइए, मीटर लगा रहता है उसमें। अब देखिए पेरिलोथोमीटर क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंटेड एट द, पेरिलोथोमीटर क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंटेड एट द सन टू मेजर द सोलर इरिडेंस, सोलर इरिडेंस के लिए होता है, सोलर इरिडेंस को मेजर करने के लिए होता है। हाइप्सोमीटर क्या होता है? यूज टू मीटर हाइट और एलिवेशन के लिए होता है। ठीक, तो दो ऑप्शन और थे, उनके बारे में मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप पेन कॉपी लेके नोट किया करिए, नहीं तो सब अच्छा चल रहा है। हु इज़ द अर्थर ऑफ अर्थर या अथॉरिटीज और ऑर्थरेट ऑर्थरेस ऑफ हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक लेखिका कौन है? तो कौन है? ए जे के रोलिंग, बी टॉल्किन, सी मार्गरेट मिशेल और डी राइस रियोर्डन। तो हमारा ए सही हो जाएगा, जे के रोलिंग। जे के रोलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। ठीक है, लेखक
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंतपुर झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है, ठीक है, अनंतपुर झील एक हिंदू मंदिर है जो में झील के बीच में बना है, जो किस राज्य में है, किस राज्य के झील के बीच में बना है। अनंतपुरा लेक टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल बिल्ट इन मिडिल ऑफ लेक इन केरला, ठीक है, केरला, ठीक। नाउ नेक्स्ट, केरला है तो केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरला के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में साल्ट नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था, ठीक है, पूरे देश में कौन किया था, महात्मा गांधी जी ने, कब किया था, 1930 में। इसको और किस नाम से जानते हैं, डांडी मार्च, किस नाम से जानते हैं, डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने कहाँ से ये शुरू किया था, अपने आश्रम साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक, डांडी तक किया था। शुरू कितने फॉलोअर के साथ किया था, शायद 378 फॉलोअर के साथ, नहीं 78 फॉलोअर के साथ शुरू किया था, ठीक है, और पूरी यहाँ पे जाके नमक बनाए थे उन्होंने, ठीक, 1930 में, ठीक। तो यहाँ पे तमिलनाडु में किसने किया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने किया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साल्ट सत्याग्रह डांडी मार्च 1930 में वो लेड बाई महात्मा गांधी विथ हिज 78 फॉलोअर फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजक न्यूटन फार्मूलेट, ठीक है, आइजक न्यूटन ने कितने लॉज फार्मूलेट किए हैं, बताइए, बताना पड़ेगा ये भी, तीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग अ प्रोग्राम विच इज एक्सक्यूटेड बाय कंप्यूटर कॉल्ड कोड, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग अ प्रोग्राम विच इज एक्सक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर कॉल्ड कोड, कोड कहते हैं हम उसको, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे, द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस इज, वह प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है, ठीक है, तो हमारी कौन सी प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी हमारी क्या होती है, पृथ्वी की सतह गर्म रहती है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फियर सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस एंड रेस्ट इज अब्जॉर्ब्ड एंड रेडिएटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, यही हमारी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे हैं CO2 CH4, देखिए पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में ग्रीन हाउस गैसेस गैसेस बताइए, तो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस CO2 CH4 नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन और एक है वाटर वेपर, वाटर वेपर को भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के पिता किसको माना जाता है, सेल्समैन वॉक्समैन को एंटीबायोटिक के पिता माना जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65, विच डायनेस्टी बिल्ड द खुजरो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, किस राजवंश ने खुजरो मंदिर का निर्माण करवाया, चालुक्य मौर्य पल्लव चंदेल, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, यहाँ पे चंदेल वंश के ने खुजरो मंदिर का निर्माण करवाया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, खुजरो टेम्पल कहाँ स्थित है ये आपको पता करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है, 12 से 35 में, 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज CR, ठीक है। और आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से, ठीक है, आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हार्ट एंड सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल, लेकिन अगर पूछेगा एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर के हिसाब से क्या है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 32 या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, तो हमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट के बारे में है थोड़ा सा, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया है, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है ये आप लोग खुद खोजेंगे, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट की बात की गई है, पार्ट फोर में DPSP की बात की गई है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द AD
एरा इज कॉल्ड द एडी मतलब एंडोडोमनी एरा इज आल्सो नोन एज सीई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीई? सीई का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 68। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये ठीक है ना, और इनके बारे में एक चीज़ और, सबसे पहले पहले जब तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया तो उनमें से एक थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सबसे पहले भारत का भारत रत्न पुरस्कार अवार्डी विनर हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 68। स्केलेटन मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन बाय टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड? दृढ़ संयोजी टिश्यू द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियाँ क्या कहलाती हैं? ठीक, तो क्या कहलाती हैं? लिगामेंट कहलाती हैं। ठीक है, लिगामेंट कहलाती हैं, नसें। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा टिश्यू के बारे में जानते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। ठीक है, थोड़ा पानी पी लें। टिशू ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। ठीक है, टिशू होता है फोर टाइप, इपिथेलियल टिशू, कनेक्टिव टिशू, मस्कुलर टिशू और नर्वस टिशू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म स्मॉग, अ फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण का एक प्रकार स्मॉग बनाने के लिए कौन से शब्द संयोजित होते हैं? ठीक है, स्मियर एंड फ्लॉग, गंदगी और फ्लॉग, धुआं और कोहरा, धुंध और कोहरा, धुआं और कीचड़। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, धुआं और कोहरा। धुआं और कोहरा मिलकर क्या बनाते हैं? स्मॉग बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 होगा, 70। व्हाट इज रेन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्ट एयर ओवर अ माउंटेन कॉल्ड? नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? होने वाली वर्षा को ओरोग्राफिकल वर्षा कहते हैं, भौगोलिक वर्षा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। युमथांग वैली इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया? युमथांग वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, युमथांग वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है युमथांग वैली? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नाउ सिक्किम की बात है तो सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। ठीक है, ये 22वां राज्य बना, कब बना? 1965 में। ठीक, इस समय सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग।
किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजंगा भी कहाँ है हमारी हाइएस्ट पीक? सिक्किम में ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन पीछे हम लोग सिक्किम से रिलेटेड पढ़े थे कि कौन सा पास सिक्किम को चाइना से जोड़ता है, कौन सा पास? नाथुला पास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद होगा, वीडियो को 3 बार 4 बार देखा करिए, क्वेश्चन जितना रिवाइज होगा ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द क्वालिटी और फेनोमिनन दैट हैज टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड? ठीक है, वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अमॉन्ग द 6 एलिमेंट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? सभी जीवित प्राणियों में जो 6 तत्व समान होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उनमें से नहीं है? सभी जीवित प्राणियों में हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन हाइजिंक नहीं होता है। लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सभी जीवित प्राणियों में 6 तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं आइए आपको बता दें, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये। ठीक है, देखिए क्या कौन से, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 6 तत्व सभी जीवित प्राणियों में होते हैं, जिंक नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोएस्ट क्लाउड एट द एटमॉस्फियर? ठीक है, ठीक, लोएस्ट क्लाउड एटमॉस्फियर, निम्न में से कौन सा बादल वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीरो स्ट्रेटस, बादल आसमान में सबसे नीचे नहीं है, ये ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, उसको आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एक्सटर्नल फोर्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, और इफ मोशन इन मोशन इट कंटिन्यूज टू मूव अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, विच लॉ स्टेट दैट? लॉ ऑफ इनर्सिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्सिया क्या कहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द फिंगर लाइक ब्लाइंड इंडेड ट्यूब कनेक्टेड टू सेशम नोन एज? ठीक है, सेशम नोन एज, इसको क्या कहते हैं, अधांत्र से जुड़ी अंगुली सदृश बंद सिरे वाली नलिका को क्या कहलाती है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अपेंडिक्स, क्या कहलाती है, अपेंडिक्स कहलाती है। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्या पूछा, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाइएस्ट मिलिट्री बेस लोकेटेड? विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचाई के संदर्भ में सैन्य अड्डा किस देश का है? अपने प्यारे भारत का है। ठीक है, कहाँ है, सियाचिन में लगभग 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारे सैनिक वहाँ पे बैठे रहते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। द नेम न्यू दिल्ली वाज गिवन इन 1927 एंड द न्यू कैपिटल वाज इनॉग्रेटेड ऑन 13 फरवरी 1931। ठीक है, देखिए पहले इंडिया की कैपिटल थी कलकत्ता, ये कलकत्ता से हुई दिल्ली 1911 में। ठीक है, फिर 1911 से 1931 में क्या हो गई, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन? इसमें से कौन हेलोजन नहीं है, फ्लोरो ब्रोमोआइडो, ये तो हेलोजन है लेकिन ग्लिसरीन हेलोजन नहीं है। ठीक है, तो हम देखिए हेलोजन आपको बता दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन, ये सब क्या है, हेलोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ग्लिसरीन हेलोजन नहीं है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट विथ यूनिवर्स रेटिफिकेशन टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर बाय एलिमिनेटिंग यूज ऑफ बोथ डिप्लेटिंग सब्सटेंस? ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ हुई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते का क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल, EMEP प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल या मोनिट्रल प्रोटोकॉल? तो उसका नाम हमारा है ऑप्शन डी, मोनिट्रल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम?
ठीक है, वर्तमान समय में भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कौन है, ठीक है, कौन है इस समय? तो इस समय हमारे पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल जी क्या हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर और रेल मंत्री भी हैं, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। पहले मिनिस्टर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कॉमर्स और इंडस्ट्री के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके लिए क्वेश्चन है, पहले रेल मंत्री कौन थे भारत के, वो आप लोग खोजिए, ठीक है। 84, हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ स्टेट ऑफ बंगाल 1905, 1905 का बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी, ऑप्शन डी सही है, लेकिन ये बाद में 1911 में इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में रद्द कर दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसमें से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, ड्यूट्रियम, प्रोटियम और टेट्रियम, ये सब तो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, लेकिन रेडियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, ये तीनों हाइड्रोजन के प्रमुख इंपॉर्टेंट आइसोटोप में से एक हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आइसोटोप क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप आर द एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो उसको हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो उसको हम आइसोबार कहते हैं, ठीक है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड टाइट्रियम, ये क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, भारत में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, ठीक है, तो भारत में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, भारत में पहला जनरल इलेक्शन 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, ठीक है। इस समय तब हमारे देश में चुनी हुई सरकार आई थी, जो जो पहले जिसके प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग डिक्लाइन द भारत रत्न अवार्ड, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, तो किसने लेने से इनकार कर दिया था, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। ये देखिए फोटो में, ये जो है ना, यही है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनको बाद में पास्तुमसली 1992 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं भारत रत्न की बात की गई, तो भारत रत्न के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक। द भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड इन जनवरी 2, 1954, ठीक है। द अवार्ड वॉज ओरिजिनली लिमिटेड टू अचीवमेंट इन द आर्ट, द अवार्ड किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, इस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, जनवरी 2, 1954 से, ठीक है। इसके पहले, सबसे पहले किन तीन लोगों को अवार्ड दिया गया, सकवर्ती राजगोपालाचारी जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और सीवी रमन जी को। ये देखिए हर साल मैक्सिमम तीन लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, तो पहले साल किन तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को भारत रत्न दिया गया। फर्स्ट फॉरेनर रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न, सबसे पहले फॉरेनर कौन थे जिन्होंने भारत रत्न पाया, अब खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, इनमें से क्या जैविक अवसादी शिला नहीं है, सैंडस्टोन, कोल, लिग्नाइट और सेल, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, ठीक। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89, द बैटल ऑफ कर्नल इन 1739 वर फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड हुम एमंग द फॉलोइंग, ठीक है, 1747 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके किससे लड़ा गया था, तो इस किससे लड़ा गया था, मोहम्मद शाह से लड़ा गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द केमिकल फार्मूला ऑफ एसीटोन इज, एसीटोन का केमिकल फार्मूला क्या है, CH3 2CO, ये एसीटोन का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट टेक्नोलॉजी इज बिटकॉइन बिल्ट ऑन, बिटकॉइन किस तकनीक पर निर्भर है, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसिंग, इंटरप्राइजिंग, रिसोर्स प्लानिंग, ब्लॉकचेन, तो किस पे निर्मित है, ब्लॉकचेन पे निर्मित है, ठीक है। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी में निर्मित है, ब्लॉकचेन पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ पार्ट एंड, मूल भारतीय संविधान में कितने पार्ट थे, सॉरी मूल संविधान में
डैश 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 भाग और 395 अनुच्छेद है। तो मूल संविधान में 22 पार्ट और 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल थे, ठीक है, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को जब ये बन के तैयार हुआ और कुछ भाग इसके लागू हुए, तो उस समय हमारे संविधान में 22 पार्ट 8 शेड्यूल और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अब ये 22 8 शेड्यूल से बढ़ के 12 शेड्यूल हो गया है और ये भी बढ़ा है कुछ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ जी, ठीक है, ठीक। रिजर्व बैंक इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1935 में कोलकाता में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? मुंबई में, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, ठीक है। अपराध और दंड उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? फोयोदोर दोस्तोएक्विस, ठीक है। ये उसके क्या हैं? उसके उपन्यासकार हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीवीपोरस एनिमल, देखिए निम्नलिखित कौन जरायुज प्राणी नहीं है? तो जरायुज प्राणी नहीं है कौन, मतलब ओवीपोरस कौन है, यानी डी फ्रॉग। वीवीपोरस मतलब क्या होता है? देखिए एक होता है वीवीपोरस, एक होता है ओवीपोरस। ओवीपोरस मतलब जो अंडे दे उसको हम कहते हैं ओवीपोरस, और जो अपने जैसा पैदा करे, ठीक है, जैसे जैसे इंसान होते हैं, औरतें होती हैं, मतलब अपने जैसा, मतलब जिसे जिसमें क्या हो, द मेन डिफरेंस बिटवीन ओवीपोरस एंड वीवीपोरस एनिमल इज दैट ओवीपोरस एनिमल डू नॉट अंडरगो एनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड द मदर, वेयर वीवीपोरस एनिमल डेवलप इनटू अ यंग एनिमल इनसाइड द मदर। दिस मीन्स ओवीपोरस एनिमल ले एग, जो अंडा देता है उसको हम ओवीपोरस बोलते हैं, और जो एक तरह की समझ लीजिए जो ये अंडा ना दे उसको हम वीवीपोरस समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। What is the headquarter of International Court of Justice located? International Court of Justice का मुख्यालय कहाँ है? International Court of Justice का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? अम्बेस्टरडम, अम्बेस्टरडम है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे। आर इन द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ क्रोनोलॉजिकल मीनिंग ऑर्डर, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सब सेना में सबसे हाई रैंक पे कौन होता है? फील्ड मार्शल। फिर कौन होता है, सॉरी इतना लंबा खींच गया, सबसे ऊपर कौन होता है? फील्ड मार्शल। फिर कौन होता है? जनरल। फिर कौन आता है? ब्रिगेडियर। फिर आते हैं लेफ्टिनेंट। फिर आते हैं कर्नल। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेशनल इनकम इज, राष्ट्रीय आय है, ठीक है। तो हम आपको कल जीडीपी और जीएनपी समझा चुके थे, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, हमारी क्या है? नेशनल इनकम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंडरी सेक्टर किस, सेकेंडरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देखिए प्राइमरी, देखिए एग्रीकल्चर हमारा क्या, तीन सेक्टर किस, किन तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। जो चीज़ अभी रॉ मटेरियल है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हम बोएंगे, ठीक है, वो क्या है, वो अभी प्राइमरी, पहला स्टेप प्राइमरी, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सेकेंडरी। अब वो मैन्युफैक्चर जब सेल होगा तो वो आ जाएगा हमारा टर्सरी में, जैसे हेल्थ, बैंकिंग, ये सब क्या है? टर्सरी सेक्टर हैं, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं इसके बाद 100 क्वेश्चन पे, सेंचुरी। अंडर नीति आयोग सेतु स्टैंड फॉर, नीति आयोग के तहत सेतु का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है, सेतु का अर्थ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पे हमारा 101 नहीं 100 क्वेश्चन था, ठीक है। पूरा ये क्वेश्चन 2019 के आल सेट में पूछा गया है, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना चैनल जीके लर्नर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। अगर आप चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सपोर्ट करिए, ठीक। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एज ऑलवेज आई गिव बाय होमवर्क, प्लीज़ टेक इट एंड गो। हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी अमित शाह, डी राजीव कुमार, ठीक है। ये SSC CGL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू।